श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से गांधी भवन सर्किल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एलिवेटेड निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग रखी गई। व्यापारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत बनाए जा रहे इस एलिवेटेड कार्य का निर्माण विगत 5 सालों से लगातार चल रहा है, जिसके कारण व्यापारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी व्यापारी परेशान हैं। एलिवेटेड वाले कार्य के चलते उनकी दुकानों पर ग्राहकी का भी असर पड़ रहा है। कई बार रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और सड़कों की हालत भी लगातार खराब हो रही है। इन सभी विषयों को लेकर आज अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग रखी गई है। व्यापारियों ने बताया कि सरकार व प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया था कि 15 अगस्त को इसका उद्घाटन होगा, लेकिन अभी भी काम अधूरा है और लंबे समय काम अधूरा है। ऐसे में इसकी रफ्तार को और तेज किया जाना चाहिए। इस संबंध में आज प्रदर्शन किया गया और चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में सभी व्यापारी अपना विरोध प्रदर्शन को आंदोलन का रूप देंगे। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से एलिवेट रोड का जो काम चल रहा है, आप देख रहे हैं 5 साल से ये काम चल रहा है। 5 साल से सिर्फ यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हमारा ये एलिवेट रोड का काम जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। अभी प्रशासन ने ये सारे अखबारों में मीडिया में आई थी कि 15 अगस्त को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, जबकि ये भी खोखला वादा था। 15 अगस्त की जगह आप देख लिए आज 21 अगस्त हो गई है, अभी तक ये कोई काम पूरा। अजमेर शहर के व्यापारी इतना परेशान है, आप व्यापारियों के हितों के देखते हुए, आप वैसे ही व्यापार नहीं है, व्यापार मंदा पड़ा है। और अजमेर की सड़कों की स्थिति आप देख लिए, आप सड़कें कम और खड्डे ज़्यादा नजर आएंगे, पूरे अजमेर शहर की स्थिति है। तो श्री अजमेर व्यापारी महासंघ व्यापारियों के हितों के साथ साथ अजमेर की जनता और आम नागरिकों का ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे गांधी मार्ग एक प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्दी एली रोड का काम शुरू करा जाए और अजमेर की सड़कों की स्थिति सुधारी जाए, अन्यथा मजबूरन होके हमको बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन चाहे कैसा भी हो, हमें चाहे भूखड़ताले बैठना पड़े, चाहे कलेक्टर के बारे में धंधे पे बैठे, या अजमेर बंद कराने की नौबत आई तो श्री अजमेर व्यापार महासंघ उसमें भी नहीं छूकेगा। और एक बार पुनः हम प्रशासन से कहते हैं, श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से हमारी मांग है, एलिवेट रोड का काम जल्दी पूरा किया जाए, अजमेर की सड़कों की स्थिति सुधारी जाए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी महासंघ। अजमेर में मार्टिंडल ब्रिज से लेकर के वाया गांधी भवन होके कचहरी रोड और गांधी भवन से लेके आगरा गेट तक एलिवेटेड रोड 2018 में चालू हुआ, जो 2 साल के लिए बनाया गया था, और उस समय इसकी कॉस्ट जो है 210 करोड़ रुपए लागत आई थी, एस्टिमेटेड जो टेंडर हुआ था। उसके बाद आज की तारीख में ये 256 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है, जो महंगा है। ये सब आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे कछुआ चाल से चल रहा है। वर्तमान जो स्थिति है, आप देखो रोडों के बीच में गटर पड़ी हुई है सब जगह, ये गटर तक ऊपर उठा के कंपनी नहीं रख रही है। 2-3 महीने से गटरें पड़ी हुई है, इसकी वजह से ट्रैफिक बाधा हो रहा है और मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। ट्रैफिक वालों ने हमें बताया, ट्रैफिक ऑफिस से पता लगा कि एक्स्ट्रा अधिकारी और कर्मचारी पुलिस के लगाने पड़ रहे हैं यातायात व्यवस्था को। एक आदमी जो 2-व्हीलर है इधर से उधर कार वाला घूम नहीं सकता है, बीच में वो गटर पड़ी है उसको ऊपर रखवाने तक भी ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। 15 अगस्त का जो आश्वासन दिया था इनने जिला प्रशासन ने कि एलिवेटेड रोड एक की एक भुजा कचहरी रोड चालू हो गई, उसको भी समय हो गया, 1 सप्ताह से ज़्यादा समय होने लग गया, आज तक भी वो प्रारंभ नहीं हुआ। नगर निगम का कार्यालय देखो आप, इस एलिवेटेड रोड में आता है। नगर निगम में जो एडिशनल चेयरमैन प्रोजेक्ट चेयरमैन बैठते हैं वो स्मार्ट सिटी के, उनके द्वार के सामने जाके देखो कितने गहरे खड्डे हो रखे हैं। वहीं मेयर बैठती है, सारे शहर के 80 पार्षद उसमें आते हैं नियमित रूप से, पर इसका कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। व्यापारी परेशान है, आम नागरिक परेशान है, जो जाहिर पर्यटक आ रहे हैं वो परेशान है। हमने आज यहाँ गांधी भवन पर प्रदर्शन किया और अगर जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि केरल सरकार का जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, वहाँ आया है कि सड़क हादसे में कोई घटना होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, जिलाधीश प्रशासन का जो जिलाधीश है वो जिम्मेदार होगा। तो हम आज चेतावनी देते हैं कि अगर शीघ्र से शीघ्र नहीं हुआ तो जिलाधीश कार्यालय पर विशाल धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। रमेश तालवानी, महासचिव, श्री अजमेर व्यापारी।